नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो होगा वो होगा दांतों के ऊपर। दोस्तों, आपको पता है कि दांतों के ऊपर एक मोटी लेयर लगी होती है सफ़ेद कलर की। जब दूध के दांत गिर जाते हैं, उसके बाद जो दांत निकलते हैं उसके ऊपर सफ़ेद कलर का, एकदम वाइट कलर का एक लेयर, मोटी लेयर होती है। ठीक है, अब पहले के ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तो इतना पता नहीं होता था कि ये लेयर है। ठीक है, तो हमारे लोग की मम्मी हैं, दादी हैं, वो सब कहती थी कि दांत साफ़ करो, जाके जाओ कोयला से साफ़ कर लो, या जो है बालू से साफ़ कर लो, जाके दांत गंदे हो गए हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब पहले पता नहीं था तो अब पता हो गया है। तो जो अब के बच्चे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा ब्रश ना करें, ज़्यादा किसी हार्ड चीज़ से मंजन ना करें, ज़्यादा देर तक बिल्कुल ना करें। क्योंकि क्या होता है कि जब सफ़ेद जो लेयर होती है, जब वो प्रेशर डाल के कोई चीज़ ब्रश ज़्यादा देर कर रहे हैं, या कोयला कर रहे हैं, या चारकोल कर रहे हैं, चारकोल जो है वो भी कोयला से बनता है, तो क्या है, जब सफ़ेद रंग का जो ऊपर पेंट रहता है वो जब लेयर हट जाता है तो दांत पीले नज़र आने लगते हैं। फिर ये है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो आपके दांत साफ़ रहेंगे, लेकिन कोशिश करें कि वो जो वाइट कलर की लेयर है दोस्तों वो हटने ना पाए। तो ठीक है, ज़्यादा ब्रश ना करें, बस 2 या 3 मिनट करें, बिल्कुल ऊपर नीचे अप डाउन करें, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल भी ना करें, ज़्यादा ताकत ना लगाएं और ज़्यादा देर तक ना करें। ठीक है, कोशिश करें कि उस लेयर को बचा के जितने दिन तक, जितने टाइम तक आप रख पाएंगे, आपके दांत उतने ही वाइट होंगे दोस्तों। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों के दांत बहुत गंदे हो जाते हैं, कोई मसाला खा रहा, या कोई बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, पान खा रहा, तो उसके दांत बहुत गंदे हो जाते हैं, उसका भी तरीका है। तो आज मैं इतना बेस्ट, इतना बढ़िया मंजन आपके लिए लेकर आई हूँ, वो मैं बनाऊंगी, होममेड है, मैं खुद बनाऊंगी, और आप उसी तरीके से जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप एक बार जो है कोशिश ज़रूर करिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा ज़रूर, और फिर देखिएगा कि आपके दांत दोस्तों मोती जैसे चमकने लगेंगे। हर चीज़ एकदम घर की है, नेचुरल है, कोई बाहर की चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको नुकसान करेंगी। ठीक है, मैं खुद ट्राई करी हूँ, रिजल्ट अच्छा है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ मंजन ये। ठीक है, आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा। अब क्या क्या डालकर, कितनी चीज़ें डालकर मैं ये मंजन बना रही हूँ, आप ये ज़रूर देखिए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, और आप मंजन ज़रूर बनाइएगा और काफ़ी दिन चलेगा। बाहर रखें, फ्रिज में रखें, चाहे जहाँ रखें, मंजन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बाथरूम में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। सब लोग करिए ये मंजन, बनाइए और सभी लोग करिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये ले लीजिए एक मिक्सी का जार। ठीक है, सूखा होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे वीडियो बना रही हूँ इसलिए कह रही हूँ मैं आपको। अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या जाएगी, वो जाएगी तुलसी। दोस्तों तुलसी से आप जो तुलसी की पत्ती होती है उसको सुखा लीजिए, छाई में सुखाइएगा, धूप में मत सुखाइएगा, पंखे में रख दीजिएगा, सूख जाएगी। इससे दोस्तों दांत इतने ज़्यादा साफ़ होते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, जब आप बनाएंगे तभी आपको यकीन होगा कि तुलसी से दांत जो है, तुलसी के जो पत्ते होते हैं उससे दांत बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं। अब मैं लूँगी इसमें 4 हरी इलायची ले रही हूँ, ये जो छोटी वाली होती है ये। इससे क्या है, अगर आपके मुँह में बदबू ज़रा सा भी होगा तो बिल्कुल बदबू नहीं आएगी, और मुँह में सुगंध एकदम रहेगी जब आप ब्रश करेंगे उसके बाद भी। तो हरी इलायची आपके दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, और मुंह को हमेशा जैसे एक सुगंध आता है आपके सांसों से, इसलिए हरी इलायची ज़रूर डालें। अब तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों, कि मैं इसमें डाल रही हूँ लौंग। लौंग कितने डालने हैं ये दिखा देती हूँ। दोस्तों लौंग के फ़ायदे तो आप जानते ही होंगे कि जब हमारे दांत दर्द होता है तो हम लौंग का तेल लगाते हैं, या तो लौंग दांत में दबा लेते हैं। तो लौंग सिर्फ मैं इसलिए डाल रही हूँ कि अगर आपके दांत में कीड़े लगने होंगे तो भी नहीं लगेंगे, अगर आपके दांत में पायरिया होनी होगी तो भी नहीं होगी, अगर आपके दांत दर्द, जैसे दर्द करने लगता है दांत, तो दांतों का दर्द कभी भी नहीं होगा अगर आप लौंग डाल करके ये मंजन बना रहे हैं तो। क्योंकि आप डेली करेंगे, या हफ्ते में 3 बार ये मंजन करिए। ठीक है, तो लौंग तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है इस मंजन में, अगर आपके दांत ख़राब होने होंगे तो भी नहीं होंगे दोस्तों, तो लौंग डाल लीजिए। अब इसमें क्या डालना है दोस्तों, आपको डालना है ऑरेंज पील पाउडर, मतलब संतरे का जो पाउडर होता है
उसमें विटामिन सी होती है, वो अगर चेहरे के लिए चेहरा चमकाता है, दाग धब्बे हटाता है, तो दांत के जो गंदगी होती है उसको भी ये काटता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा सा ये डाल लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या डालना है, अब आपको डालना है कॉफ़ी, ठीक है दोस्तों। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी से आप अगर मंजन बना रहे हैं तो आपके दांत एकदम चमकेंगे, जैसे कॉफ़ी डालने से लगाने से चेहरा चमकता है, ठीक है। तो कॉफ़ी डाल लीजिए इसमें। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको कोई भी चीज़ इसमें से हटानी नहीं है। तो कॉफ़ी डाल रहे हैं दो पैकेट, जैसे इस तरह से नहीं होते छोटी छोटी, तो छोटी छोटी लीजिएगा, बहुत बड़ा पैकेट मत लीजिएगा। तो आप इस तरह से इसको डाल लीजिए, ये हो गया। अब दोस्तों मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मीठा सोडा। मीठा सोडा दोस्तों, अगर कितने भी दांत गंदे हैं, कितने भी क्यों ना पीले पड़ गए हों, आपको किसी पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, ब्याह में जाना है, तो आप क्या करें, तुरंत तुरंत मीठा सोडा लीजिए, उसमें डालिए थोड़ा सा नींबू का रस, और आप जो है ब्रश से या तो उंगली से आप जो है मंजन कर लें। भूल ये करना नहीं है आपको कि नमक इसमें बिल्कुल भी ना डालें। अगर नमक डाल के आप करेंगे ना, तो आपके पूरे मसूड़े छिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अभी इसमें और भी चीज़ें पड़ेंगी, तो अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको पीसने जा रही हूँ। इसको बहुत बारीक पीसना है और इसको जो है छानना है, क्योंकि कण नहीं होने चाहिए दोस्तों। दांतों की बात है, मसूड़े में अगर कण गड़ गए तो फिर खून बहने लगेगा, ठीक है। कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो बुरा ही होने लगेगा, तो इसलिए बहुत बारीक पीसना है और इसको छानना है। अब आगे मैं क्या क्या डालूँगी और किस तरह से मंजन बनाऊँगी, आप इसको ज़रूर देखें दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने पीस लिया है इसको, ठीक है, काफ़ी बारीक है, पर इसको छानना पड़ेगा। तो आप इस तरह से एक कांच की कटोरी ले लीजिए और इसमें रखिए इस तरह से छलनी, और इसमें डालते जाइए थोड़ा थोड़ा सा, और इसको इस तरह से देखिए ये कैसे छनता जा रहा है। इस तरह से इसको छान लीजिए, कितना बारीक निकल आया है ये देखिए, अब इतना निकल आया है। अब इसमें क्या ऐड करना है, ठीक है, अब इसमें ऐड करना है दोस्तों नारियल का तेल, देखते जाइएगा। नारियल का तेल दोस्तों आपके दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये सफ़ेदी लाने में सबसे बड़ा काम इसका ये है कि आपके दांतों में ये सफ़ेदी लाता है नारियल का तेल। इससे आप सुबह जो है थोड़ा सा नारियल तेल मुंह में डाल करके आप कुल्ला भी कर सकते हैं, उससे भी आपके दांतों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये 1.5 चम्मच करीब मैंने नारियल तेल डाल लिया है इसमें। अब दोस्तों इसमें क्या डालना होगा, अब दोस्तों इसमें डालना होगा कोई भी मंजन, ठीक है, क्लोजअप, कोलगेट, या जो वो आता है ना पतंजलि वाला आता है, वो भी डाल सकते हैं आप। तो इसमें डालना है मंजन, क्योंकि एकदम भाई मंजन बना रहे हैं ना, तो मंजन के बगैर तो मंजन कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसमें डालेंगे मंजन। दोस्तों मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है कि मैं ये मंजन करूँगी, तो आप ये मंजन डाल के बढ़िया मंजन बनाएं। पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अभी इसमें एक चीज़ और जाएगी, और दोस्तों इसको जो है आप बाथरूम में रख सकते हैं ना, ये ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा दोस्तों। अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। मैं इसको करूँगी क्या, कुछ नहीं करना है मुझे, तो मैं मंजन बना रही हूँ, तो मैं कायदे से ही ना बनाऊँ मंजन। पूरा मैंने मिला दिया है, बहुत ही बढ़िया मंजन बन रहा है दोस्तों। तुलसी और लौंग की इतनी बढ़िया महक आ रही है कि क्या बताएं हम आपसे। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और ऐड करना है, जल्दी से ऐड कर दे दोस्तों, वो था नींबू, ठीक है, थोड़ा सा नींबू ये वाला डाल दीजिए।
अब इसको मिक्स करिए दोस्तों, देखिए पूरा कलर ही बदल गया है क्योंकि इसमें सोडा पड़ा है ना, तो ये अपना रिएक्शन दिखा रहा है। ये रिएक्शन है इसका सोडे और नींबू का, ये थोड़ी देर में बैठ जाएगा। नींबू से दोस्तों कितना दांत साफ़ होता है आप कभी लगा के देखिए, देखिए कितना ज़्यादा नींबू से दांत साफ़ होता है। बस दोस्तों इस तरह से बना के आप रख लीजिए इसको, ज़्यादा कोई फेस पैक नहीं बना रहे हैं कि जो है बहुत ज़्यादा इसको फेंटना है। ऐसी कोई डिब्बी हो आपके पास, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस डिब्बी में इतना पूरा आएगा। इसको इस तरह से भर करके रख लीजिए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। ये मंजन आप एक बार ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, मेरे कहने से दांत आपके हीरे जैसे एकदम चमक जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।